हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ इजी रेसिपीज़ हर ट्यूसडे और फ्राइडे। तो मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ ये प्यारा सा कलरफुल कपकेक। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ये बेकर की व्हिपिंग क्रीम पाउडर। तो ये हमें मिल जाती है 500 की क्वांटिटी में और इसका प्राइस है 375। और इसमें हमें दिया होता है मैग्निफिकेशन डेट और एक्सपायरी डेट, जिससे हम इजीली इसको काफ़ी लंबे तक के स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमें मिलती है एक पाउडर फॉर्म में, इस तरह से ये देखिए। तो मैंने इसको यूज़ किया है और इसको जो रस्ट बची है उसे मैंने ऐसे स्टोर करके रख लिया है, तो आप भी ऐसे रख सकती हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे लिया है 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम पाउडर और इसमें हम ऐड करेंगे 200 ml चिल्ड वाटर। तो दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं और व्हिप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम अपने पहले मशीन की स्पीड 5 मिनट तक की स्लो स्पीड पे इसको बीट करेंगे क्रीम को अपनी। उसके बाद फिर हम अपनी मशीन की स्पीड इंक्रीज़ करते रहेंगे 15 मिनट तक के हाई स्पीड पे बीट करने के बाद देखिए हमें कितना स्मूथ टेक्सचर मिल जाता है। बिल्कुल हमारी जो क्रीम है मार्केट जैसी लग रही है और कितनी हाई पीक क्रिएट हुई है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। हम मेरे पास यहाँ पे 4 बैटर मैंने कपकेक के लिए निकाल ली है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पेप्लिन का लिक्विड फूड कलर, ये हमें 300 रुपीज़ में मिलता है और ये हम यूज़ कर सकते हैं स्वीट्स, जैम, सिरप, आइसक्रीम वगैरह सबके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं फूड कलर ही। और इसमें बहुत सारे हमें कलर्स अवेलेबल हैं, ये देखिए। अब इसके साथ हमारे पास ये एक ड्रॉपर भी मिलता है जिससे हम इजीली इसके कलर को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोको कलर। तो देखिए इस तरह से हम ड्रॉप कर डालेंगे और ये कितना अच्छा स्मूद टेक्स्चर, हाँ बस कलर कितना अच्छा मिल गया है। अब नेक्स्ट हम कलर ऐसे ऐड कर लें। तो इस तरह से मैंने चारों कलर रेडी कर लिए हैं। तो अब हम अपने कपकेक के मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे, मैंने पहले से करके रखा हुआ है। अब इसमें हम कलर ऐड करेंगे। तो फर्स्ट कलर मैं यहाँ ब्लू ऐड कर रही हूँ, देखिए इस तरह से मैंने सारे कपकेक में ऐड कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे इसमें। तो जो भी हम कलर ऐड करेंगे वो हम सेंटर में ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, जिससे हमारे जो कपकेक का कलर है वो कलरफुल क्रिएट हो। तो हम ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे चारों कलर के बैटर्न फिनिश नहीं हो जाते। तो देखिए इस तरह से हम अपने कपकेक को रेडी कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने कपकेक को बेकिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसे माइक्रोवेव में रख दिया है। अब इसका मैं टेम्परेचर सेट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे इसे 800 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट के लिए बेक किया है। तो हमारे कपकेक बेक्ड हो गए हैं, हम एक बार चेक कर लेंगे और इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे कपकेक रेडी हो गए, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने एक पॉली बैग लिया है और उसमें मैंने 3 पार्टीशन में व्हिपिंग क्रीम को सेपरेट कर लिया और उसमें मैंने कलर ऐड किए हैं। तो देखिए इस तरह से हम धीमे धीमे इस पॉली बैग को फोल्ड करेंगे तो हमारे तीनों कलर एक साथ मिक्स हो जाएंगे। और अब हम इसे इलास्टिक से दोनों तरफ से सिक्योर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक नोज़ल लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पाइपिंग बैग नहीं है तो मैं यहाँ पे इस नोज़ल को इस पाइपिंग बैग में फिक्स करूँगी। तो इस तरह से हम इसे डालेंगे और इसमें एक मार्क लगा लेंगे कि ये हमारा कहाँ पर फिट होगा ये नोज़ल। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे फिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो हमने 3 कलर का व्हिपिंग क्रीम ऐड की थी उसे हम ऐड करेंगे और इस तरह से हम धीमे धीमे आराम से इसमें एक सर्कुलर मोशन में एक फ्लावर क्रिएट करेंगे, देखिए इस तरह से। तो लीजिए हमारे कलरफुल कपकेक रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकती हैं। तब तक के लिए अलविदा।